नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज मेरे कुछ परिवार के लोग एडमिशन के लिए आए, जैसे मेरा छोटा भाई राजपाल बिजारणिया पलसाना से आया है, ऐसे हमारा मनीष है जो सिलेक्ट है जेई मेन में, अपने छोटे भाई का एडमिशन कराने के लिए आया है, आपके दादाजी साथ हैं, ऐसे ब्यावर से हमारे गार्जियन आए हुए हैं, हरियाणा से कुछ गार्जियन आए हुए हैं, बहुत से ऐसे पर्सनल मेरे गार्जियन आए हुए हैं। आज तारीख है 10 अप्रैल 2023, तो मुझे लगा क्यों ना ये लोग जो है महसूस करते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन अपनों तक पहुंचाया जाए जो एक अच्छी कोचिंग की तलाश में है, अच्छी संस्था की तलाश में है। क्योंकि आज के इस भ्रम जाल में, इस मकड़ जाल में आदमी कई बार प्रॉपर संस्था चुनाव नहीं कर पाता है। हर चमकने वाला कांच का टुकड़ा हीरा नहीं होता है, हीरा वो कहते ना कि हीरे की पहचान है तो अंधेरे की तलाश रखो, अंधेरे में जाके पता चलता है डायमंड क्या है। 28 साल से आपकी संस्था काम कर रही है तो कहने की बात ही नहीं है, कोई पेड़ 28 साल से खड़ा है तो दोनों क्वालिटी है, उसकी जड़ें मजबूत हैं और ईश्वर की मेहर उस पर है। मैं सबसे पहले लाऊंगा राजपाल जी बिजारणिया के पास, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप पलसाना से हैं, आप एक बहुत अच्छे सुदृढ़ परिवार से बिलोंग करते हैं, आपका खुद का मेडिकल स्टोर है और मैं आपका व्यक्तिगत दीवाना इसलिए हूँ कि मैं जब भी जयपुर जाता हूँ, तो बाईपास हो गया पलसाना तो जाना कम होता है, पर जब भी निकलते हैं तो ये व्यक्ति हमेशा अपने काउंटर बैठा होता है। मैंने बहुत कुछ सीखा इस आदमी से, ये व्यक्ति पूरे काउंटर पर बैठता है हमेशा। मैं हमेशा मैं ड्राइवर से कहता हूँ, मैंने कहा राजपाल 100% काउंटर बैठा मिलेगा, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, काम करने का तरीका सीखा आपसे मैंने। तो राजपाल जी, आप अपने बेटी को एडमिशन ले आए हैं, एक अपनी बेटी है, एक आपकी भतीजी है और एक आप अपने गांव के सामान्य से किसी व्यक्ति के बच्चे को आप लेके आए हैं, तो आप सीएलसी के बारे में थोड़ा सा मचाऊंगा कि बताएं आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं और क्या मैसेज लोगों के लिए आपका। सीकर जिले के अंदर अगर एजुकेशन का कोई पेड़ लगाने वाला संस्था है तो वो सीएलसी है। मेरे बड़े भाई श्रवण भाई साहब ने सीएलसी से इन्होंने इतनी पहचान बनाई कि अपन पूरी, मैं तो मानता हूँ कि पूरे विश्व में आपकी जानकारी है, मैं तो ये कह सकता हूँ, क्योंकि सीएलसी का हर बच्चा विश्व के अंदर कहीं ना कहीं जॉब के अंदर कार्य कर रहा है। और मेरा बच्चा भी यहाँ से नीट की तैयारी करके और फिर वो विदेश गया है, फिलीपींस में चल रहा है। और मेरी भतीजी संजय, हाँ संजय, और मेरी भतीजी ममता, ममता भी, हाँ हाँ, वो भी यहीं से तैयारी की थी, वो भी फिलीपींस से करके आ गई। और मेरा भतीजा मनीष जो आपके यहाँ से सेलेक्ट होके और महात्मा गांधी से करके आया है, और अब मैं मेरी बेटी खुशी को यहाँ एडमिशन दिलाने के लिए आया हूँ, और एक मेरी भतीजी है उसको एडमिशन दिलाने के लिए आया हूँ। और मुझे सभी और एजुकेशन संस्थाओं से मुझे सीएलसी सबसे अच्छा लगा, क्योंकि कोई एक बात आपसे पूछी जाए तो आप सीएलसी के बारे में लोगों से अलग एक लाइन क्या कहेंगे, केवल एक बात कहनी हो, जैसे कोई कहना सबसे अच्छा लिखो तो माँ लिख दो, उससे अच्छा कुछ नहीं है, है ना, सबसे सबसे बड़ी पूजा करनी हो तो भगवान राम की जय बोल दो, उसके बाद कुछ नहीं बचता है, तो बस एक लाइन कोई। तो मैं तो एजुकेशन के मामले में, जैसे मेरी बच्ची के और मेरे भी कन्वर्सेशन हुआ, तो मेरी बच्ची ने मुझे कहा कि पापा मुझे सीकर पढ़ना है, तो मैंने एक ही लाइन में कहा कि बेटे अपन को सीएलसी चलना है। क्या बात, ये आपका विश्वास है, ये आपका ट्रस्ट है, हम दोस्त हैं वो अलग बात है, आप सीएलसी पे ट्रस्ट करते हैं बहुत अलग बात है, क्योंकि सारे मेरे दोस्त तो नहीं हो सकते, विश्वास सीएलसी का है, तो मेरे फ्रेंड भी हैं, फ्रेंड्स नहीं कहूँगा भाई कहूँगा, मेरे भाई भी हैं, बट फिर भी एक ट्रस्ट आपका सीएलसी के प्रति है। आपके 2-3 बच्चे परिवार के आए, आप आर्थिक बहुत सुदृढ़ है, इसलिए आपने कहा भाई एक साल हम ड्रॉप नहीं कराएंगे, डिग्री करा लेते हैं बच्चों को, आपको हॉस्पिटल बढ़ाना अपना, आप पारिवारिक काफ़ी मजबूत व्यक्ति है, पॉलिटिकली और फाइनेंशली बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, पलसाना में सब जानते हैं बिजारणिया परिवार को, तो ये बात हमारे भाई ने कही। अब मैं मनीष के पास माइक लगाना चाहूँगा। मनीष, ये स्टूडेंट हमारा जिसका अभी जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर 98% इसका, छोटा भाई 11th भी था तो ये थोड़ा बीमार हो गया, वापस आपने इसको 11th में कराया है, तो मनीष आप सीएलसी के जेई विंग के बारे में, अभी आपका सेकंड अटेम्प्ट हो गया क्या, उसमें क्या नहीं संभावना मानते हो आप, उसमें बहुत अच्छा स्कोर, उससे बढ़ के आएगा, उससे आप जेई के बारे में सीएलसी की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप 12th के साथ टारगेट में, 12th के साथ, यस पूरी बात अपना पूरा परिचय उसके बाद बात करें आप। मैं सीकर में यहाँ 2 साल पहले आया था 11th में, अब मैं 12th में हूँ, मैंने जेई की एग्ज़ाम दी है, मतलब सीएलसी ने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मेरे को बहुत नरिश किया है, बहुत हर चीज़ में, पढ़ाई में, ध्यान में, सेहत में, संस्कार में, सीएलसी बेस्ट है, कोई कोचिंग सीएलसी से बढ़िया नहीं है सीकर में, सीकर आना है तो सीएलसी में एडमिशन लेना है। बाकी बॉस है हमारे, बॉस ने हमारा बहुत ध्यान रखा है, हमें बहुत हेल्प की है, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, कोई भी तकलीफ हो सीधा बॉस से तुरंत सॉल्व हो जाती है, बस यही सीएलसी का प्यार हमें यहाँ खींच लाता है। कई बार कहते हैं ना कि अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाए, बोलो धर्मराज जी हैं मर जाए, जब बाजार में झूठ का बहुत बोलबाला हो जाता है तो सच को भी बताना पड़ता है, माँ सीता को भी कहना पड़ता है कि मैं सीता हूँ, तो हर अच्छे गांव में बहुत प्यार डायलॉग है
कि अग्नि परीक्षा सीता की होती है, कभी सुपर्णा की नहीं होती है। परीक्षा हमेशा अच्छे लोगों की होती है, संघर्ष अच्छे लोगों को करना पड़ता है। कोई भी समाज का अच्छा व्यक्ति संस्था है उसको हर वक्त स्ट्रगल के माध्यम से भगवान राम को ही साबित करना पड़ता है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, कभी रावण को साबित नहीं करना पड़ता कि मैं रावण हूँ। तो दोस्तों, आपने कहा कि आप हर प्रॉब्लम के लिए मिल सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। 15-16 हज़ार बच्चों को पढ़ाया इस सारे सिस्टम में हमने, उसके बाद एक एक बच्चा आके मिल सकता है, मेरा चैम्बर खुला रहता है। अभी हमारा कैंप चल रहा है, आप कैंप पे आते हैं? हाँ, मैं बताएं कैंप का शेड्यूल, बताएं क्या कैंप शेड्यूल क्या अपना। मैं रोज कैंप में आता हूँ, कैंप सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है, 1 बजे तक चलता है, फिर बीच में लंच ब्रेक होता है, फिर शाम को वापस कैंप होता है 8 बजे तक। कैंप एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से होती है, और कोई प्रॉब्लम है तो सीएलसी का डाउट काउंटर भी है, तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। राम राम साहब, तो आपका ये पोता है, ये तो आईटी में एनआईटी में तो इसका हो गया, आईटी में हो जाएगा, ये दूसरा पोता आपका, ये दूसरा पोता है। आप क्या करते हो? हम खेती का काम करते हैं। खेती का काम करते हैं, तो देखो आपके पोते बहुत अच्छे हैं। अभी तो आप अभी कह रहे मैं पसीने की मेहनत से पैसा लेके आता हूँ, आप मेरी बात कागज पर लिख लेना, वीडियो बन रहा है, 7 साल के बाद आप कार में बैठ के आएंगे हकड़ी करके। ये बच्चे बहुत योग्य हैं आपके। आप क्या कहना चाहते हैं सीएलसी के बारे में? मैं बहुत बढ़िया है सीएलसी में, 2 साल हो गया, आता यहाँ। राजी हो? राजी हूँ। तबीयत खुश? खुश। रात में कहना नींद को जुड़े पोतो सीख कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई तकलीफ, दोबारा जल्दी कराऊंगा की आए, थोड़ा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो गया इसका। प्रियंका बच्चे भी कराए तूने? वो कौन है प्रियंका? कौन है बच्ची? वो तेरी सिस्टर है एक, तो आप 2-3 एडमिशन कराए हैं, मतलब हमारे तो बच्चे ही बच्चों के साथ काम करते हैं। थैंक यू साहब। ठीक, थारो नाम क्या है? इराराम जी। इराराम डाका। डाका जी, आप सर कहाँ से हैं? बस्सी के पास है। बस्सी के पास है? बस्सी में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है दिनेश शर्मा है, उनके तीनों बच्चे, दो बेटे, उनके बेटी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर, एक बेटी एनआईटी में है, जिनके बड़े भाई का स्कूल भी है, नाम जाने बस्सी में है, शर्मा परिवार है। दिनेश शर्मा जी हेल्दी से सवा छह लंबे चौड़े स्मार्ट स्कूल है। यस यस, प्लीज बताएं आप किस एडमिशन के लिए आए हैं? मैं सर, बेटी है मेरी 10th फाउंडेशन में करवा रहा हूँ सर। टेंथ में आप लेके आ गए बच्ची को? यहाँ लेके आ गया, मेरा लाने का विचार नहीं था, जबकि बेटी ने जिद की कि मैं 10th फाउंडेशन और नीट की तैयारी करूंगी। आप कैसे जानते हो सीएलसी को भाई? यूट्यूब। ये ध्यान से सुने सुनने वाले, मतलब 9th पास एक बच्चा, एक बच्ची और तुंगा कस्बा ही कह सकते हैं पढ़े, कोई बड़ा हाई फाई तहसील, एक कस्बा है, तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ की। आप क्या करते हैं भाई? मैं सरस डेयरी में हूँ। आप सरस डेयरी में काम करते हैं, एक मध्यम अपर मध्यम वर्ग के परिवार के, आपके बच्चे 9th क्लास, अपने राजपाल जी अपने तो ग्रेजुएशन के बाद पहले ओ बेरोगुनी करने के टावरण, 9th क्लास की बच्ची अपने पापा से कह के प्री फाउंडेशन में आ रही है। अच्छा, बेटी जो बोस सर है, इनके सारे वीडियो यूट्यूब पे देख के मोटिवेट होती रहती है, वो इसीलिए मेरे वीडियो मेरा यूट्यूब सब 1 लाख पार किया है। और सर की जो वाणी में साक्षात सरस्वती विराजमान है माता, कहने का मतलब मधुर आवाज, मधुर भाषा और संस्कार, आध्यात्मिकता, शिक्षा की शैली से इनके बराबर और अपनी सीएलसी के बराबर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं कह सकता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये संस्कार की बात जो चल रही थी, कई बार गार्जियंस आप भी सुने, राज्यपाल संस्कार के हैं जी, पढ़ाओ ना टावरा ने, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, अखबार में एक खबर आई थी, हरियाणा में एक दादा दादी ने सुसाइड किया जिसका पोता आईएएस है, मतलब वीडियो में कह रहा हूँ, अखबार में एक पोता आईएएस है, उसके दादा दादी को खाना नहीं मिला, ऐसे बच्चे साहब हमें तो नहीं पढ़ाने जी, नहीं पढ़ाने, मेरे गांव में खेती कर लेंगे, संस्कार ये होते हैं। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आप सरसों का तेल लगा के ऐसे खड़े बूंगो, ये संस्कार का मतलब नहीं है। ड्रेस आप कुछ ही पहने, जींस पहन के भी आप सात्विक हो सकते हैं, और धोती कुर्ता पहन के आप राक्षस हो सकते हैं। इस पर किस्सा बताता हूँ आपको मैं। एक बार क्या हुआ, एक संत को, एक व्यक्ति, एक राजा के जा रहे थे, तो एक संत के वेश में एक आदमी ने, अपने घोड़े होते थे ना, तो लिफ्ट में घोड़े पे कि मैं बीमार हूँ मुझे घोड़े बैठा लो, वो डाकू था, तो उस व्यक्ति ने उस संत को बैठाया, उस डाकू को बैठाया घोड़े पे, वो डाकू था, तो उसने उसको लूट लिया। पर थोड़ी देर बाद उसको राजा, दूसरा बंदा सक्षम था, वापस पकड़ा, उसने कहा कि तुम लूटा मुझे, इसका दुख नहीं है, लेकिन तू संत का भेष बन के मत लूट यार, हमारे संत पर तू आप डाकू बन के लूट ले को दिखे, तो डाकू लूटा है, ये सब संस्कार होते हैं हमारे। थैंक यू। हम अंबुजा सीमेंट परिवार से हैं और यहाँ पे अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए आए हुए हैं, और हमें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू पता चला कि ये जो संस्थान है सीएलसी, ये बहुत ही डेवलप्ड है, बहुत ही विकसित है बच्चों की शिक्षा के विषय मामले में, और हमें ये जानकारी मिली कि वहाँ पे भेजने के बाद आप निश्चिंत रहेंगे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो इसलिए हम तो पहली बार यहाँ पे आए हैं। बाकी यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का जो भी हमने मैनेजमेंट का जो कार्य देखा, हमें बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा है।
तो हम पहली बार यहाँ पे आने के बाद भी हमें लग नहीं रहा कि हम अनजाने हाँ, हैं। वो नहीं होता है यहाँ पर। बस हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम अपने बच्चे को नहीं अपनी लाइफ को आपके पास दे रहे। मैं आपने कहा कि आप बच्चे को नहीं और लाइफ को दे रहे हैं जी। और मैं सबको वीडियो में कहता हूँ कि जब तक आप हमारा फॉर्म नहीं भरते हैं एडमिशन का, तब तक बच्चा आपका है। और हमारा फॉर्म भर दिया तो बच्चा भी सीएलसी माँ का है, श्रवण का बच्चा, इतना कह सकते। बिल्कुल, हम इसी विश्वास पे आपके। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। आप किस बैच में आए बेटा? आप टेंथ करके आए हैं। तो आप आए हैं, पेरेंट्स लाए हैं, या आपको सीएलसी के बारे में किसका फैसला है? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। तो ये हमारे बहुत सारे गार्जियन हैं, इसके बाद हमारे कुछ और गार्जियन कुछ बैठे हैं, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि जिन सपनों को लेकर आप आए हैं हम आपके सपनों को पूरा कर पाए। थैंक यू दोस्तों। तो डियर, ये हमारे गार्जियन रहे। आज 10 अप्रैल को एडमिशन का जो दौर था, आप उसमें अच्छा इच्छा हुई कि आप लोगों से बात की जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आपकी सीएलसी के साथ जुड़ने के लिए हर मंडे को बैच स्टार्ट हो रहा है। 17 अप्रैल को अगला बैच स्टार्ट होने जा रहा है। नीट जेई एनडीए के बारे में तो खैर आप जानते हैं सीएलसी के बारे में। एक सबसे बड़ी चीज़ जो सीएलसी डेवलप की इस बार, वो हमारा स्कूल सीआईएस, सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल। वो एक बहुत प्यारा स्कूल है हमारा, जो सीकर बीकानेर बाईपास पे है। तो प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक आप संस्था से जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय सीएलसी।